हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग भाई बात करने वाले हैं कि भाई तुम लोग भाई अगर बैन होते तो गाइस, मतलब भाई अगर तुम लोगों को अपने आप को बैन होने से बचाना है तो गाइस हमें क्या क्या करना होगा। तो गाइस तुम्हें गाइस जो मतलब भाई स्टेप्स लेने गए, मैं तुम लोगों को आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। गाइस वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। तो गाइस अगर भाई हम लोग सोचे कि अगर तुम्हारी आईडी बैन हो जाए तो उससे होता क्या क्या है, मैं पहले बता देता हूँ। तो गाइस अगर तुम्हारी भाई आईडी बैन हो जाए गाइस, वो पबजी वाले मतलब भाई सब्जे भी ना कि भाई तुमने कुछ नहीं किया है। तो गाइस और फिर तुम्हारी बहुत दिनों बाद या फिर बहुत सालों बाद आईडी अनबैन हो तो तुम लोग भाई फिर से ब्रॉन्ज 5 पे हो गए, केडी तुम्हारी 0-0 होगी, ठीक है। एंड गाइस सारे स्टैट 0-0 होंगे, करियर रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ 0 हो जाएगा, आउटफिट्स रहेंगे जितना तुमने पैसे खर्च किया वो सब कुछ रहेगा। तो गाइस ये सब कुछ रहने वाला है, बट भाई जो तुम्हारा चला जाएगा भाई वो तुम्हारा मतलब भाई फेम चले जाएगा। तुम कौन करो कि भाई मतलब अगर टॉप 100 में हो तो भाई तुम अचानक से ब्रॉन्ज 5 पे आ जाओगे। एंड गाइस ऐसा मेरे दोस्त का हो चुका है, बट भाई वो तुम लोगों को बताना मतलब उसका नाम नहीं बोलना चाहूँगा, बट भाई वो भी ब्रॉन्ज 5 पे है। एंड गाइस उसने एक ग्लिच यूज़ किया था, इसके ऐसा हुआ। तो गाइस अभी अगर बात करते हैं गाइस कि भाई मतलब गाइस तुम लोग ऐसे बच कैसे सकते हो, तो गाइस सबसे पहला स्टेप तुम्हें क्या लेना है, अगर तुम्हारे लॉबी के अंदर हैकर आ जाए तो गाइस सबसे पहले गाइस तुम लोगों को अगर तुम लोग भाई रैंक पुश कर रहे हो एंड गाइस तुम लोगों को भाई चाहिए कि गाइस तुम लोग बैन ना हो तो गाइस तुम लोग भाई सिंपली एक चीज़ करो, तुम लोग अपने आप को नेट से मार लो अगर तुम लोग रैंक पुश नहीं कर रहे हो। एंड अगर तुम लोग रैंक पुश कर रहे हो तो भी तुम लोग गाइस टॉप 5 या फिर टॉप 10 में अपने आप को खुद को नेट से मार लो। एंड गाइस इस चीज़ से क्या होगा, तो गाइस तुम लोग जब मर जाओगे तो भाई ना ही तुम्हारा उससे कोई पाला वाला पड़ेगा। एंड गाइस जितने भी उसको भाई रिपोर्ट्स जाएंगी तो गाइस उसके अंदर भाई तुम्हारे बैन होने का भी कुछ कुछ चांस रहता है। ऐसे गाइस बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है, तो गाइस मैं इसी मोटिव पे तुम लोगों को बोल रहा हूँ। एंड गाइस मतलब एक बार ऑफ टॉपिक मैं जा रहा हूँ उसके, सॉरी। तो गाइस तुम्हें इंट्रो का साउंड कैसा लगा एक बार मेरे को बता देना। तो गाइस अभी गाइस चलते हैं भाई आगे की। तो गाइस अगर भाई मान लो कि भाई तुम्हारा हेडशॉट परसेंटेज 100 से ज़्यादा है मतलब तुम्हारे कोई टीममेट का, तो गाइस तुम लोग भाई उसको भाई अपनी टीम से निकाल दो। तो गाइस मतलब भाई क्या कहना चाहता हूँ, हाँ तो सॉरी गाइस मैं अभी थोड़ा सा मतलब भूल गया था। तो गाइस अगर भाई किसी का भी हेडशॉट परसेंटेज ज़्यादा होता है तो गाइस 25 से ज़्यादा होता है, मेरा खुद भाई 25 से ज़्यादा ही है, तो गाइस उसको गाइस हम लोग भाई टीम से निकाल दो। अभी गाइस देख रहे हैं, मैं किसी एक रैंडम बंदे को बुलाऊंगा एंड उसकी प्रोफाइल चेक कराऊंगा। तो गाइस अगर तुम लोग भाई यहाँ से गाइस बंदे को बुलाते हो अपने टीम के लिए, तो गाइस तुम लोग भाई सिंपली गाइस उसकी पहले भाई देख लिया करो, मतलब भाई उसका हेडशॉट परसेंटेज एंड वगैरह वगैरह। तो गाइस देखो भाई मेरे को अभी भाई जल्दी जल्दी 3 बंदे ज्वाइन कर लेंगे, देखो भाई कर लिए। तो गाइस अभी मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा भाई कि गाइस मतलब भाई इनकी केडी कितनी कीड़ी होती है, मतलब गाइस की भाई अगर भाई इनका 25 से ज़्यादा है, 25.1 है तो भी चलेगा, बट भाई अगर उनका भाई 26, 27, 30, 40 ऐसे है इसका तो कम है गाइस, बट भाई क्या कहते हैं अगर इसका ज़्यादा तो मैं इसको निकाल देता हूँ, क्योंकि गाइस इसमें भाई तुम्हारा ज़्यादा चांस हो जाता है बैन होने का। तो गाइस आई होप तुम लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। एंड गाइस अगर तुम लोगों को पसंद आई तो भाई इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड गाइस एक और बात गाइस कि भाई तुम लोग भाई वीडियो के नीचे बता देना कि तुम्हारी कभी आईडी बैन हुई है नहीं हुई है। एंड गाइस मेरे स्टेप्स को फॉलो करना। तो गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।